एके मिश्रा जी ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर नोटबंदी जैसे बड़े फैसले प्रधानमंत्री एकदम ले सकते हैं तो ऐसे लोगों को बाहर करने का रास्ता क्यों नहीं दिखा सकते। दीपक के तले अंधेरा वो नहीं हटाएंगे, बाहर बाहर की सारी बातें होंगी, चिराग तले अंधेरा दूर करिए ना। वैभव जी बोल रहे हैं जी। देखिए ऐसा है कि मुझे 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 ये लगता है कि मिश्रा जी किसी और चीज़ का गुस्सा वो प्रधानमंत्री मोदी पे उतार रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कटाक्ष के सर मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ तो प्लीज उसके अंदर आप ही के सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, आप ही के सिद्धांत को मैं याद दिला रहा हूँ, मुझे बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है जी। वैभव जी मिश्रा जी मैं मेरे को बोलने का समय दीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं बड़े आराम से आपकी बात सुन रहा था, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे की बात को काटेंगे तो दर्शकों का नुकसान होगा, मोहम्मद भाई की आवाज नहीं पहुंचेगी, चैनल तक की आवाज नहीं पहुंचेगी जी। सो बात बड़ी सिंपल सी है कि जहां तक दागी नेताओं को हटाने की बात है, भाजपा में सबसे कम दागी नेता है और वो इस चीज का रिजल्ट करते हैं कि कहीं पे किसी स्तर पे नहीं मल्टीपल स्तरों पर हम लोग दागपन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। अब राजनीति क्या होती है? राजनीति पार्टी के चॉइस से नहीं होती है, राजनीति उन नेताओं से होती है जो जनता चुन के भेजती है। तो यदि वो अगर अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो आप ऐसे दागी नेताओं को क्यों टिकट देते हैं सर? आप क्या लॉजिक दे रहे हैं सर? बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ठीक बोलिए। चलिए मिश्रा जी आप ही बड़े बन जाएं, मैं तो 12 घंटे दिन में टीवी पे बिताता हूँ है ना, तो भाजपा का पक्ष रखते हुए आपको ज्यादा अकल है, आप बन जाएं बड़े। आप बात आपको ये लग रहा है आप मेरे साथ पहली बार डिबेट कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप मेरी बात दबा सकते हैं? ठीक है बोलिए, थोड़ा आराम से रहिए आप मेरे साथ। ठीक है मिश्रा जी बोलने दी, बीच में नहीं, अब फिर मौका दूंगा लेकिन बीच में नहीं। हाँ बोलिए वैभव जी। नहीं बच्चों वाली बात है तो ये ज्यादा बड़े वाली बात कर लेना, इनको ज्यादा ज्ञान है मेरे से तो। ठीक है वो चुप है, आप जवाब क्या उठाई गिरोह की तरह बात कर रहे हैं? अरे सर नाराज क्यों हो रहे हैं? ठीक है मिश्रा जी, वैभव जी इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि आज तो फिर आप क्या किस तरह बात कर रहे हैं? अरे सर आप लॉजिक की बात करिए ना। ठीक है ठीक है वैभव जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, आपके जवाब देने का समय आया, लोग पूछ रहे हैं। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, बोलिए ऐसा है आप एक मिनट मेरी बात समझिए, मेरा डिबेट करने का तरीका जो है वो एक जू के अंदर नहीं होता है, मछली बाजार के अंदर नहीं करता मैं डिबेट। बोलिए ठीक है जवाब दीजिए। मैं एक दायरे में रह के बात करता हूँ, मैं पर्सनल बोलिए ठीक है ठीक है रहता हूं। तो ऐसा है कि राजनीति चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी जन प्रतिनिधित्व जो करता है उसके अंदर जो प्रतिनिधि आता है वो जनता के द्वारा चुनावा प्रतिनिधि आता है। यदि जनता की आवाज वो राजनीतिक दल नहीं सुनेगा और हम इस तरह छटनी करना शुरू कर देंगे तो जनता जिसको ऑलरेडी चुन चुकी है, जिस समय चुन चुकी है, हम जनता की आवाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है अब बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन सी पार्टी में कम है और कौन सी पार्टी में ज्यादा है। जिस समय जिस पार्टी में जिस जनता के इलाके से जो जन प्रतिनिधि आया उसको वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व होता है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, जान के दागी नेताओं को अपने अंदर नहीं लाती, ये मेरी सोच है, क्योंकि भाजपा नहीं लाती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ समय समय की बात है और हर पार्टी चाहती है ठीक है साफ सुथरी राजनीति करी जाए। देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी आए, कांग्रेस ने राहुल गांधी ठीक है ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं भव जी फिर आपके पास आऊंगा। बहन मायावती की बड़ी बात पता है सबको,